आसवा संपूर्ण खबर को आसंता तीन दिन पर्यंत राज्य रे हेबनी वर्षा 18 तारीख रु पुणी बढ़िबो वर्षार परिमाण एभली पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पानी पाग केंद्र सेहिपरि 18 तारीख रे 8 जिला को जारी होछि येलो वार्निंग सेहिपरि विशेषज्ञ कहिछन्ति जे 19 तारीख रे स्पष्ट हेबो घुन्नी बळयर चित्र आ 23 तारीख जाय लागि रहिबो वर्षा पाग कोहला वर्षा नाही तीन दिन एभली पाग परे आसंता 18 रु पुणि बढ़िबो वर्षा एही सूचना देछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र 18 सेप्टेम्बर बेलकु उत्तर बंगोपसागर पार्श्वर्ती समुद्र मध्यरे उत्तर ओडिशा पश्चिम उपकूल अंचल रे वायुमंडल रो उपरी भाग रे एक घूर्णीबळ सृष्टि हेबार संभावना रहिछि प्रभाव रे राज्यर 18 तारीख रु वर्षार विस्तृति रे वृद्धि हेबार संभावना रहिछि 18 तारीख रे गजपति गंजाम कंधमाल कलाहांडी पुरी खोर्धा जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा रे प्रबल वर्षा ने येलो अलर्ट जारी होछि मौसुमी निम्न चाप रेखा निजर साधारण अवस्थान ठारो सामान्य दक्षिण ने रहछि फल रे किछि किछि जिला रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे आसंता 24 घंटा रे मयूरभंज जाजपुर भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा रे प्रबल वर्षा ने येलो अलर्ट जारी होछि 18th से बारिश हमरा उड़ीसा में इंक्रीज करने का चांसेस है क्योंकि 18th का आसपास हमारा एक बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्मेशन होने का चांसेस है तो उसका प्रभाव में ही मेनली 18th से बारिश इंक्रीज करने का चांसेस है सेबड़े पानीपाग विशेषज्ञ कहिछंती 19 तारीख रे स्पष्ट चिन्हित हेबो घूर्णी बळय या कुढ़ी किंवा 21 सुधा लघुचाप रे परिणत हेबो विशेषकर उपकूल ओडिशा रे अधिक वर्षा हेबा सह दक्षिण रे भी प्रबल वर्षा हेबो 19 तारीख बेलकु पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर रे घूर्णी बळय सृष्टि हेबार पश्चिम केन्द्र बंगोपसागर बा ताकपाक अंचल रे घूर्णी बळय सृष्टि हेबार संभावना रहुछि जोटा कि 19 तारीख सृष्टि हेबो तार किंतु प्रभाव ओडिशा रे प्राय 22-23 तारीख पर्यंत पड़ संभावना रही कारण विशेषकर उपकूल पार्टी ही तार प्रभाव रोक आ दक्षिण ओडिशा रे प्रभाव अधिक अनुभूत हो मौसुमी आसवर विलंब होते भी परवर्त पर्यायर स्वाभाविक ठार् राज्य अधिक वर्षा होंभा जिला छाड़देले राज्यर अन्य स्थान में भल वर्षा होष को सुहाई भुवनेश्वर निरुपमा बेहरा न्यूज 18 ओडिया रसुलगढ़ ब्रिज उपरे फिल्म स्टाइल रे दुर्घटना बाइक को द्रुत गति रे पिटिला कार पोलो उपरु तळ को छिटिकी पड़िले बाइक चालक भुवनेश्वर रु कटक आड़ को आसुथबा बेले रसुलगढ़ ब्रिज उपरे बाइक रे जाउथबा दंपति को पछ पटु पिटिथिला एक कार तळ को छिटिकी पड़िथबा बाइक चालक को उद्धार करिछि पुलिस दुर्घटना परे कार ड्राइवर को अटक रखिछि पुलिस अधिक सूचना देवा पाई फोन लाइन जोड़ी होती दीपक सामल करेस्पोंडेंट दीपक ए दुर्घटना केते बेले घटी क्यों भली परिस्थिति रे दुर्घटना घटला कौन वर्तमान अपडेट गतकाली राति प्राय 10:30 समय रे भुवनेश्वर रसुलगढ़ ओवरब्रिज पर एक मर्मन्तुक सड़क दुर्घटना घटी जो थे एक बाइक को पछपटु धक्का देता कार जहा फल बाइक रे जाउथबा दुई जन जड़े युवक एवं जड़े युवती ब्रिज उपर तल को खसी पड़ते गुरुतर अवस्था कैपिटल हॉस्पिटल में भर्ती करदियों जहां प्राथमिक तदंत रिपोर्ट आसी उभय गोड़ हाथ में शक्त आघात लगी ओवरब्रिज उपर जो से तल को खसी पड़ते से ही समय तले एक अटो उपने पड़े जो से जीवन बची जाती खबर पाई घटनास्थल में पहुंचला मत्स्येश्वर थाना पुलिस पहुंचा पर जो कार थिला से कार को पुलिस जबत करथिला एवं कार जो माने थिले जदियो से माने घटना परे फेरार मारथिले तेणु से माने को धरिया पाई पुलिस एबे चढ़ाउ जारो कि जदियो कार संपूर्ण तथ्य पुलिस पाखे रहिछि तेणु घटना समय घटला एवं सांगे सांगे घटना समय पुलिस पहुंचला एवं आंबुलांस सहाय्य रे उभय को कैपिटल हॉस्पिटल में भर्ती कराइछि जदियो से मानकर स्वास्थ्य अवस्था एबे स्थिर अछि परवर्ती मुहूर्त रे स्पष्ट हबो जे क्योंकि भूल थिला बाइक रो भूल थिला ना कार रो भूल थिला ना किभली एभली एक दुर्घटना घटला ताकु ने मजे पुलिस पे पुलिस को कहूची प्राथमिक तदंत रु किछ जणा पडु छी कार रो भूल थिला केउ कारण पई दुर्घटना घटला एवं जते बेले दुर्घटना घटला कार रे केते जणा थिले एते सुधा स्पष्ट करूनी जे कार रो भूल थिला जदियो जहा प्रत्येक दर्शक माने कहबा कथा कार टी द्रुत वेग रे आसुथला जहा फल रे
बाइक को पछपट धक्का देता धक्का देवा फल बाइक दुई जन ओभरब्रिज उपर तल को खसी पड़ते तेणु बाइक जो कार भूल बोली जहां प्रत्यक्षदर्शी मैंने कहते तेणु कार को नहीं पुलिस तदंत कर कहने कड़े जाते जदिव कार टी भुवनेश्वर कटक आड़ को जाता तथापि कार केशास्था थे कि नहीं ये सब दिग नहीं पुलिस एवं तदंत कर बिल्कुल विभिन्न दिग को नहीं पुलिस वर्तमान तदंत चल तदंत पर स्पष्ट हो क्यों कारण दुर्घटना घटला धन्यवाद समस्त सूचना दीपक। नकली औषध कारबार मामलें जारी रही कटक कमिश्नरेट पुलिस तनाघना दुई स्टकिस्ट मालिकों गिरफ्त करी कोर्ट चलाण करने औषध कि होलसेलर और रिटेलरों तालिका प्रस्तुत करी पुलिस खूब शीघ्र से पचराउचरा अपरपक्षे केउटा असली और केउटा नकली से जानवापी कौन व्यवस्था नथिबा कथा कहिसेंती व्यवसायी और डाक्तर सेबडे नकली औषध कारबार बर्दाश्त करा नाही बोली कहिसेंती स्वास्थ्य मंत्री। सुक्राल सिरप नकली, फेबी पिराभीर नकली, एबे बीपी मेडिसिन टेलमा सीरीज नकली, जीवन रक्षाकारी औषधर नकली बारंबार कटकु मिलवा पर एबे रोगी और सेमानंकर संपर्कियों को मध्यरे आतंक को मेडिसिन नकली आउ को मेडिसिन असली ताहा केमिति जानिबे से नहीं खारुची चिंता। झाड़ा सफा पाई बहु मात्रा रे व्यवहार होता सुक्राल सिरप्र नकली बजार को आसीथिला सेहिपरी कोरोना पाई आसीथिबा हेबी पिराभीर भी नकली मिलिला जीवन बिकले लोके एही औषध किणी हैरान भी हेले आउ मालामाल हेले असाधु व्यवसायी सेहिपरी एबे ब्लड प्रेसर बा उच्च रक्तचाप पाई व्यवहार होता टेलमा सीरीजर टेलमा 40 टेलमा एम और टेलमा एच औषधर नकली लोकंकु आशंका भितरकु ठेली देछि। ग्लेनमार्क भली प्रतिष्ठित फार्मा कंपनी रो औषध नकली हेउथबारु किए असली और नकली ताहा जानिबा एबे मुश्किल होई पड़िछि। ग्राहकटीए पाखरे असली नकली परखिबा पई सुविधा मध्य नाही एमिति कि औषध व्यवसायी भी कहउछन्ति कि सेमाने भी जानि पारिबेनि केउटी असली आउ केउटी नकली। सेपटे डाक्तरंक कहिबा कथा एही नकली मेडिसिन रोगीक जीवन नै पारे तेणु एहाकु रोकिबा पई औषध उपरे बारकोड व्यवस्था करिवार आवश्यकता रहिछि। आम गोटे ही नियम मानु जोटा कि आम समस्त मेम्बर मानी निजपी समस्त गोटे नियम जहाँ जिनस किणुच मेडिसिन बिल्रे किण आ बिल्रे बिक से गोटे जिनस छड़ा आम पाखे अगर कौन सी रास्ता ना से जो फार्मास्यूटिकल कंपनी उपर रोचे सी एनस्योर करिबो जे आपण होल हल माने हॉलमार्क दियंतु कि होलोग्राम दियंतु केमिति गोटे ब्रांडर ओरिजिनल चिन्ह हम सेपटे बीपी मेडिसिन टेलमार नकली कारबार रे संपृक्त थिबा कटक रो दुई व्यवसायी ग्याल और संजय जालान एवं जेल ले ड्रग्स कंट्रोल विभाग एतला आधार रे इमानंकु गिरफ करा जायछि। सेहिपरी एथिरे सामिल अन्य मानंकु धरिबा पई प्रस्तुति आरंभ करिछि कटक पुरीघाट पुलिस। गिरफ एही दुई स्टकिस्ट कठारु औषध किणिथिबा 25 जन होलसेलर और रिटेलरंक मुंड उपरे एबे झुलिछि गिरफदारी रखंडा कारण नकली जानी मध्य एही व्यवसायी माने एही स्टकिस्ट को ठारु औषध किणिथिले एवं सेगुडीकु ग्राहक मानंकु बिक्री करथिले यहारी भितरे उभय अभियुक्त जमीन पई आवेदन भी करिछंती। एसडीजेएम कोर्ट रे जमीन खारज परे जिला दौरा जज कोर्ट रे माने आवेदन करिछंती। सबडे स्वास्थ्य मंत्री कहिछंती कि राज्य रे नकली औषध कारबार बर्दाश्त करा जीव नाही यार मूलोत्पाटन पई राज्य में चढ़ाऊ आहुरी जोरदार करा एवं नकली औषध बिक्री करुवा व्यक्ति विरोध में कठोर आईनगत कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जीव। स्वास्थ्य विभाग रेड करुचे मु निर्देश दे सारी लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स दृढ़ कार्यानुष्ठान करावा कहा के छड़ा नहीं जाए एवं आम देखू जनता ओडिशा रे सब डिस्ट्रिक्ट चढ़ू हो पार तार व्यवस्था एबे भी बजार रे बीपी मेडिसिन टेलमा सीरीज रो नकली मिलुची तेणु ड्रग्स कंट्रोल विभाग चढ़ाऊ करी नकली मेडिसिन जबत करिबा सह बजारु एहा केमिति प्रत्याहार करी हेबो सेने उद्यम जारी रखिछि। तेबे एहारी भितरे सबुठु बड़ प्रश्न हेउछि नकली औषध बजार रे केमिति प्रवेश कला आउ केमिति जानि पारिलानी ड्रग्स कंट्रोल विभाग। झारसुडारु जितेंद्र देवता ओ कटकरु नवेश महंती न्यूज 18 ओडिया।
मयूरभंज खुंटा अंचल साइबर ठक गैंग धरा पड़ा पर यह समग्र राज्य में सृष्टि चांचल्य एही गैंग ठके करबा उद्देश्य रे देशर विभिन्न राज्यर लोकंकु पठाउथले फेक मेसेज ठक गैंग थारु जबत होईछि 3000 रु अधिक फ्री एक्टिवेटेड सिम 7टी लैपटॉप अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सुनिले आश्चर्य हेबे एही ठक गैंग गोटिए दिन रे प्राय 13 लाख मोबाइल को पठाउथले फेक मेसेज गिरफ 6 जणिया गैंग को रिमांड रे आनी अधिक तदंत करबो क्राइम ब्रांच हाथरे बड़ साइबर ठक गैंग ओडिशारे रही चलाइथिले बड़ नेटवर्क ओडिशा समेत देशर विभिन्न राज्य रे बिछाइथिले साइबर ठकेर जाल देखंतु साइबर ठक गैंग केमिति करथिले अपरे आउ केमिति लोकंकु फसाउथिले जाल रे चिकमिक एलईडी लागिथिबा एही डिवाइस टिर ना हेउची सिम बॉक्स 512 टी सिम को एकाठी करी प्रस्तुत होइथिबा एहा एमिति एक डिवाइस जहा जरिया रे साइबर ठक माने गोटिए घंटा रे 55600 टी नंबर को एककालीन मेसेज पठाउथिले साइबर ठक गैंग पाखरु एभली दुईटी सिम बॉक्स जबत करिछि क्राइम ब्रांच एही दुईटी सिम बॉक्स जरिया रे अपराधी माने दैनिक प्राय 13 लाख मोबाइल को फेक मेसेज पुश करथिले एथिपाई एमाने व्यवहार करथिले प्री एक्टिवेट सिम ठक गैंग पाखरु 3000 प्री एक्टिवेट सिम सह 7टी लैपटॉप और राउटर जबत करा जाइछि एक्टिवेट होइथिबा किछि सिम बिहार रु आसीथिबा जणा पडिछि एही गैंग देशर अन्य प्रांत रे थिबा साइबर अपराधी को सह सीधा सड़क नेटवर्क रखिथिले प्री एक्टिवेटेड सिम जियो रो 1231 आउ प्री एक्टिवेटेड सिम ऑफ वोडाफोन 158 नंबर बीएसएनएल रो भी 134 आउ दुईटा सिम बॉक्स सातटा लैपटॉप मॉडेम दुईटा आउ जियो राउटर दुईटा आउ बैंक पासबुक डॉक्यूमेंट्स भी हमें सीज करबा को सक्षम है थिले केवाईसी अपडेट करबा आळरे एही गैंग लोकक पाखु को पठाउथिले फेक मेसेज जे माने मेसेज रो उत्तर देउथिले सेमान को अकाउंट हैक करी टोंका लुटी नेउथिले एही गैंग ओडिसा रो देशर विभिन्न स्थान रो लोकक पाखु को फेक मेसेज आसुथिबा कथा राज्य क्राइम ब्रांच को सूचना देइथिला केंद्रीय टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय एहार तदंत करी क्राइम ब्रांच टीम साइबर ठक गैंग रो मास्टरमाइंड कुहा जाउथिबा मयूरभंज बेतराटी अंचल विशाल खंडेलवार पाखरे पहुंचला ताकु जेरा करबा पारे खुंटा अंचल एक जंगल रु एसबु सिम बॉक्स कार्ड लैपटॉप जबत करा जायछि आउ अन्य 5 जन को काबू करछि क्राइम ब्रांच टीम सेमाने हेले तापस पात्र निगम पात्र सुधांश दास अजु पात्र एवं अजय पात्र समस्त अभियुक्त घर बेतराटी अंचल रे अंकर मास्टरमाइंड थिला विशाल अग्रवाल विशाल खंडेलवाल एंड ये असिस्टेड थिले बाय तापस कुमार पात्र जे इंटर्न असिस्टेड थिले अजु पात्र आउ अजय कुमार पात्र विशाल खंडेलवाल आल्सो वाज असिस्टेड बाय टू अदर पर्सन्स तंकर नाम होची सुधांशु दास आउ निगम पात्र खुंटा थारु 6 किलोमीटर दूर रहिबा एक जंगल मध्य रे ऑपरेट करथुरे ए साइबर ठक गैंग सिम बॉक्स चेन्नई रु किणा जायथिबा अभियुक्त कहउछंती किंतु क्राइम ब्रांच संदेह करूची एहा विदेश रु किणा जायछि अधिक तदंत पई अभियुक्त मानकु रिमांड रे आनिबो तदंतकारी संस्था प्रारंभिक पर्याय रे क्राइम ब्रांच 6 जन अभियुक्त को गिरफ करछि छत किंतु ए साइबर ठक क नेटवर्क राज्य तथा देश बाहर गुलो दिबा बेले एमानकर संपर्क रास्तिबा एकाधिक लोक एबे क्राइम ब्रांच स्कैनर को आछंती फलस्वरूप आग को गिरफदारी संख्या बहुत बढ़ो एक एवठार कह जापे मयूरभंजु रवींद्र नायक कटक्रु नभेश महांती ओडिया अभिनेत्री वर्षा और सांसद अनुभव विवाह विच्छेद मामलें समाधान परिवार अदालत पक्षर उद्यम कर उभय कोर्टे गतकाली हाजर होते 5000 टंका लेखाएं जरिमाना दाखल करने सहित वर्षा एक सत्यपाठ मध्य दाखल करते से कोर्ट को कौन से भूल तथ्य देवे ना कि अजथार विचार प्रक्रिया विलंब करने को उद्यम करे ना यही मामला बहुत पुराणा होते पर अदालत उभय को एक स्वतंत्र प्रकोष्ठ को डाक आलोचना करते मिले सूचना अनुसार एकाठी रही राजी हो अनुभव फल समाधान उद्यम बेसी आग को बढ़ी पारि ना कटक परिवार अदालत रे ओडिया चलचित्र जगतर एक दुई लोकप्रिय कलाकार पारिवारिक विवाद मामलें हाजर होते गत थर कोर्ट अनुपस्थित को नहीं कड़ा आभिमुख्य ग्रहण करने उभय कोर्टे हाजर होते
ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ମୂଳ ମାମଲାରେ ସାଂସଦ ତଥା ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାଙ୍କ ଆବେଦନ ଥିଲା ସେ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବେ। ଏହି ମାମଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ହାଜର ହେଲେ। କୋର୍ଟ ସେଠୁ ସୋ ମଟ ତାଙ୍କୁ ଓପନ୍ କୋର୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଚାମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ସୋ ମଟ ମେଡିଏସନ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଡାକୁଛି। ତ ସେ ମେଡିଏସନ୍ଟା ସେ ଦୁଇଟା ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ବେଳୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେଇଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିକି ତାଙ୍କ ମେଡିଏସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଲେ। ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ଉଭୟ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଡାକି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବିଚାରପତି। ଏ ହେଉଛି ତାର ସାଙ୍କେତିକ ଚିତ୍ର। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କାଳେ କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସମାଧାନର କୌଣସି ବାଟ ବାହାରି ନଥିଲା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତି ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ଶେଷଥର ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏ ଚେଷ୍ଟା କେତେଦୂର ଫଳବତୀ ହେଲା ତାହା ଏବେ ବି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେପଟେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପରିବାର ଅଦାଲତରେ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ କି ଅଯଥାରେ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ସତ୍ୟପାଠ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କୋପରେଟ୍ କରିବେ, ଅନ୍ନେସେସରି ଆଡଜମେଣ୍ଟ ନେବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କେସ୍ଟା ଲିଙ୍ଗର ହେଉଛି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସେ ଆଉ ଫ୍ରଡ଼୍ କରିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ କୋର୍ଟକୁ କୌଣସି ମାତ୍ରାରେ ଫ୍ରଡ଼୍ କରିବେ କି ଗୁମରା କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ହିସାବରେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ନେସେସରି ଆଡଜମେଣ୍ଟ ନେବେ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ଏଇ ତକ ସବୁ ଦାଖଲ ହେଲା, ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଚାଲାଣ ବି ଦାଖଲ କଲେ, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଫିକ୍ସ ହେବ, କୋର୍ଟ ଫିକ୍ସ କରିବେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣିରେ ଉଭୟ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇପାରେ। କଟକରୁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦ ହୋଟେଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦର ଏକ ହୋଟେଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 8 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତି ମିତାଲି ଓ ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲ। ସଂସାର ଆରମ୍ଭ ହେଉ ହେଉ ଚାଲିଗଲା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ, ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ନବ ଦମ୍ପତି। ମଙ୍ଗଳବାର ସିକନ୍ଦ୍ରାବାଦର ଏକ ହୋଟେଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଦମ୍ପତି ମିତାଲି ଓ ରାହୁଲ। ଘଟଣା ପରେ ବୁଧବାର ଉଭୟଙ୍କ ମରଶରୀର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହାପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମରିଶରୀରକୁ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କଟକ ବାସଭବନକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଉଭୟଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତଳେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଶୋରୁମ୍ ଥିଲା, ସେଠି ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁଟାକି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି, ଆଉ ଡୋର୍ରେ ସେନ୍ସର୍ ଲକ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଡୋର୍ଟା ଖୋଲିଲାନି। ଜବ୍ କରନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ, ଆଇ ଟି ସେକ୍ଟର୍ରେ ଜବ୍ କରେ, ଇଏ ବିଟିସିଏନ୍ ଇଏରେ ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହିଁ ଜବ୍ କରନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 2020ରେ ରାହୁଲଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ ମିତାଲି। ଉଭୟ ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଉଭୟ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆସିଥିଲେ, ତେବେ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଟେଲର ତଳମହଲାରେ ଥିବା ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଶୋରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ପ୍ରଭାବରେ ସାରା ହୋଟେଲରେ ଧୂଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ପତିପତ୍ନୀ ରୁମ୍ କବାଟ ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାପରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସେପଟେ ହୋଟେଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ମୃତ ଚନ୍ଦନଙ୍କ ଭାଇ। ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯାଇକିନା ଯାହା ଜାଣିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଇଭି ଶୋରୁମ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନଅଥରାଇଜଡ୍, ସେଇଟା ଅଥରାଇଜେସନ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇକିନା ବହୁତ ଇଏ କରୁ। ସେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ୍ଟା ଥିଲା ତାରି ଓନର୍ର ସେ ଇଭି ଶୋରୁମ୍ଟା ଥିଲା, ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ବି ଦେଖିଲି କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ବି ତଳେ ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ହୋଟେଲ୍ରେ ସ୍ମୋକ୍ ଆଲାର୍ମ ନାହିଁ କି ଫାୟାର୍ ଆଲର୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଡୋର୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଖୋଲିଲାନି ତା'ପରେ ଡୋର୍। ଘଟଣା ପାଇଁ ହୋଟେଲ ଓ ଶୋରୁମ୍ ମାଲିକଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କଟକରୁ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।
मुंबईरे ओडिशारे निवेशर ब्लूप्रिंट ओडिशारे पुंजी निवेश उपरे फोकस मेक इन ओडिशा इन्वेस्टर्स मीटरे पुंजी निवेश पय सरकारक आह्वान ओडिशा को निवेशकों को आकृष्ट पय विस्तृत कार्यक्रम विशिष्ट शिल्पोद्योगी को भेटी राज्य रे निवेश पय आमंत्रण करिसेंति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मुंबईरे मुख्यमंत्री को सह आलोचना करथिले महिंद्रा ग्रुप अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ओडिशारे शिल्प पय रहितबा सुजोग एवं इज अफ डुइंग बिजनेस रो फायदा नेबाकू महिंद्रा को निमंत्रण करिसेंति नवीन सेबड़े आदित्य बिरला ग्रुप अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला को भेटी राज्य रे निवेश नै आलोचना करिसेंति नवीन सेपरि वारी एनर्जी लिमिटेड अध्यक्ष हितेश दोषी राज्य में पुंजी निवेश नहीं आलोचना होई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अध्यक्ष दिनेश खाड़ा मध्य नवीन को भेटी आलोचना करी बैंकिंग क्षेत्र में ओडिशा रही सुजोग संपर्क में कहवा सह बैंक नथिबा स्थान रे एसबीआई को निमंत्रण करी नवीन सेपरि आईसीआईसीआई कार्यनिर्वाही निर्देशक राकेश झा को भेटी ओडिशा रे बैंक रो नेटवर्क बढ़ावा और गांव को सुविधा पहुंचाइबा ने आलोचना करथिले नवीन सेपरि एचडीएफसी बैंक रो कंट्री हेड अरविंद भुरा को भेटी नवीन अनुरोध करिसेंति जे राज्य रे बैंक रो अधिक रु अधिक शाखा खोला जाउ जहां फळरे छोटो शहर एवं गां लोक आर्थिक कारबार रो सुविधा पाई परिबे सेपरि जेम बक्सी ग्रुप रो परिचालना निर्देशक ध्रुव कोटाक को भेटिथिले नवीन आ ओडिशा सरकार बंदर विकास पाई नेतबा पदक्षेप संपर्क रे मध्ये आलोचना करथिले एवं माल परिवहन सामुद्रिक द्रव्य कारबार क्षेत्र रे बक्सी ग्रुप पर सुजोग थिबा मध्ये से कहिथिले सेतिपई आपल इंडस्ट्रीज अध्यक्ष चैतन्य देसाई को भेटिबा अवसर रे ओडिशा रे सरंजाम शिल्प एवं ड्राउन स्ट्रीम शिल्प पई पर्याप्त सुजोग रहितबा कहिथिले नवीन पटनायक सेपरि बीएसएल अध्यक्ष एसएस मुंद्रांक सह मध्ये आलोचना करथिले मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री बीएससी रे बेल बजाई कारबार रो शुभारंभ करिवार कार्यक्रम रहिछि आसंता सेप्टेम्बर 28 रे बेंगलुरु रे पुणी एक शिल्प भित्तिक कार्यक्रम हेबो नवंबर 30 रु डिसेंबर 4 तारीख पर्यंत भुवनेश्वर रे हेबो मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 इज अ प्लेटफॉर्म फॉर आवर स्टेट to showcase our growth story and present what we have to offer to investors across the globe. It is also a platform for industry captains and thought leaders to talk about the future outlook of various industrial sectors. Industry ke liye bahut ankul hai jiske karan hum log 2016 se hum log start kiye hain Make in Odisha program. Ye teesra sanskaran hai jo 2022 नवंबर 30 से लेकर दिसंबर 4 तक भुवनेश्वर हमारे राजधानी में होगा सुई से लेकर टीएमटी बार बना रहे हैं उसके बीच में जो भी आता है कोई भी छोटा हो लघु हो बड़ा हो मध्यम हो कोई भी उद्योग लगाएगा हम उनकी मदद करेंगे वी हैव ब्रॉट इन प्रोग्रेसिव पॉलिसीज क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल पार्क्स प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज एटसेट्रा वी हैव ऑल्सो लेड स्पेशल एम्फोसिस ऑन स्किलिंग Today, Skilled in Odisha has become a brand. Through the Make in Odisha Conclave 2022, we want to build new relationships and strengthen our old relationships with all of you. Social media re dher popular Purna Mousa. Puo mora bada loko bada officer gitare dher charcha ko asithile Purna Mousa. Eha pore ei real star ko badi jaichi jimat. Purna Mousa ko pakhare projojoko ebong nirdeshakanko lomba line. रियल स्टार को रियल स्टार बनाइबा को आरंभ हो जाय छि प्रतियोगिता एबे शॉर्ट वीडियो नुहे बरंग भजन एल्बम रे देखा देबे पूर्ण मौसा को नै युव निर्देशक बाबू बाबू निर्माण करिसेंति एक भजन एल्बम जार टाइटल रहि छि ददरा ना रे अंध नाबिक मो बीएस महाकाल प्रोडक्शन बैनर रे निर्माण होइ छि भजन रो शूटिंग बालेश्वर इमामी जगन्नाथ मंदिर रे शूटिंग सेट रे एक दिव्यांग भक्त चरित्र अभिनय करिसेंति पूर्ण मौसा रिल्स भली एई भजन मध्य ओडिशार लक्ष लक्ष लोकंक हृदय को छुइबो बोली कहिसेंति प्रयोजक विश्वजीत साहू ओ निर्देशक बाबू बाबू प्लीज आज बाबू सर गोटे बहुत सुंदर भजन रे अभिनय कर भजन टी है ददरा ना अंध नावरी मुझे अंध भूमिका अभिनय कर बहुत सुंदर
बहुत सुंदर हो गीतटे जगन्नाथ भजन बहुत सुंदर लगुच मुझ बहुत सुंदर भी करने चेष्टा कर खाली भल पाइबा मोपाई निहाती दरकार।